इन्फ्लुएंजा को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य विभाग भी सतर्कता बरत रही है और इस बीच राज्य से सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में H3N2 से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। रिम्स के PRO डॉक्टर राजीव रंजन से विशेष बातचीत की संवाददाता काजल ने। इन्फ्लुएंजा, कोविड के बाद इन्फ्लुएंजा का जो मार है वो लोगों में उसका डर बना हुआ है। बता दें कि इसका जो इन्फ्लुएंजा का कहर पंजाब, कर्नाटका और हरियाणा में देखने को मिल चुका है। अब झारखंड कितना तैयार है, झारखंड की राजधानी रिम्स, जो रिम्स है वो कितना तैयार है पेशेंट्स को देखने के लिए, पेशेंट्स अगर आते हैं उन लोगों की हिफाजत के लिए कितना तैयार है, सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजीव रंजन जी। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि रिम्स में क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है, चूँकि इन्फ्लुएंजा काफ़ी ख़तरनाक और घातक बताया जा रहा है। चूँकि पंजाब, कर्नाटका और हरियाणा में 10 मार्च तक की जो खबर है 6 लोगों की मौत हो चुकी है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र कितनी तैयारियां अपनी राजधानी में है, कितनी तैयारियां रिम्स में है। राजीव जी, आपका स्वागत है अलाइव 7 में। देखिए, अभी जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज थे उसी की तरह इन्फ्लुएंजा भी है, तो प्रोटोकॉल जैसा हमने कोविड में किया था चीज़ें वही हैं। अभी भी पहली चीज़ है टेस्टिंग, उसके बाद है ट्रेसिंग, कितने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रहे हैं, कहाँ पे डिजीज़ हुई, किसके साथ और लोग जो है जिनको ये फैल सकती है, और उसके बाद ऑब्वियसली ट्रीटमेंट पार्ट। तो पहली चीज़, अभी तक कोई भी एक केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ है, कोई भी टेस्टिंग के लिए भी टर्नअप नहीं हुआ, किसी ने सैंपल नहीं दिया है। बट टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे यहाँ ऑलरेडी फंक्शनल है। टेस्टिंग फैसिलिटी जो है, अगर कोई टेस्ट आती है तो हम लोग उसको डिक्लेयर करने की स्थिति में हैं कि बता सकते हैं कि उसको ये H3N2 ही इन्फेक्शन है या नहीं। और दूसरी बात उसके बाद है ट्रेसिंग की, तो ऑब्वियसली जब वो रिपोर्ट हो जाएगी तो उसके बाद उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वेदर जैसा बर्ड, ये जो फ्लू है ना बेसिकली, वो हम लोग जान रहे हैं कि बर्ड फ्लू से रिलेटेड है, तो ये देखना होगा कि क्या वो पोल्ट्री बिजनेस या किसी ऐसे जगह से रिलेटेड है जहाँ पोल्ट्री के हैं पोर्शंस, तो उसके बाद उनके जो कॉन्टैक्ट के और लोग हैं उनको फिर ऑब्वियसली फिर टेस्टिंग करनी होगी। और इसके बाद अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स उनके सीवियर हैं, दिक्कत ज़्यादा है उनको, तो ऑब्वियसली उनको फिर जो है इस फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बट अभी तक कोई भी एक भी केस जो है वो टेस्टिंग फैसिलिटी में नहीं आया है और कोई भी पॉजिटिव पेशेंट नहीं आए हैं, बट वी आर स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जैसा आपने बताया कि तैयारी है, अगर कोई पेशेंट आता है इसके लिए, जैसे कि कोविड में क्या है कि रिम्स में स्पेशल वार्ड दिया गया था, कहने का मतलब एक आधा हिस्सा रिम्स का कोविड को दे दिया गया था ताकि उनके पेशेंट्स को बचाया संभाला जा सके, तो इन्फ्लुएंजा के लिए ऐसे पहले से क्या कुछ तैयारियां हैं? तो इस कोविड को कोविड हॉस्पिटल में टर्न करने का रीज़न जो था वो यही था कि सर्ज बहुत थे, केसेस इतने ज़्यादा थे कि सारे अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ कोविड के पेशेंट थे, अदर पेशेंट थे ही नहीं। तो इस वजह से पहले एक यूनिट से लेकर दूसरे यूनिट तक धीरे धीरे वो पूरा हॉस्पिटल जो है वो हमने कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल कर दिया। बाद में एडिशनल यहाँ पे जो पार्किंग पोर्शन था उसको भी हमने कन्वर्ट किया था, क्योंकि एडिशनल पेशेंट्स चाहिए थे, उनको वहाँ पे केयर की आवश्यकता थी हॉस्पिटलाइज करके। बट यहाँ हम उस केस की सिनेरियो की बात करें जहाँ पे अभी केसेस जो है कुछ जगहों पे जैसे आपने बताया कि हुए हैं, और झारखंड में अभी तक ये नहीं है, तो हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। ऑब्वियसली अगर केसेस सर्च होंगे तो ऑब्वियसली फिर उसी तरफ हम लोग बढ़ेंगे, कुछ डेडिकेटेड वार्ड उसके लिए देंगे, और ज़रूरत पड़ी तो एक डेडिकेटेड फिर पूरा पोर्शन जो है उसको हम लोग करेंगे। बट अभी चूंकि केसेस नहीं हैं और पेशेंट ऑलरेडी जो बाकी पेशेंट हैं उनके केयर की आवश्यकता है, तो अभी तक हमने इस तरफ कोई डेडिकेटेड वार्ड उसके लिए एम्प्टी नहीं किया है, क्योंकि पहले के पेशेंट जो हैं वो अभी भी वहाँ एडमिट हैं। हालांकि तैयारियां हैं कि अगर इस तरीके की कोई परेशानी या फिर ये बीमारी H3N2 अगर आती है, कोई भी पेशेंट, एक पेशेंट भी आता है, तो रिम्स पूरे तरीके से सतर्क रहेगा और तैयार तो है ही। साथ ही साथ आपसे पूछना चाहेंगे डॉक्टर राजीव कि अगर ऐसा इस बीमारी से थोड़ी बहुत बचने के जो तरीके हैं वो हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, अगर वैसा उन्हें थोड़ी सी भी खांसी या सर्दी हो तो किस तरीके के उन्हें एहतियात बरतने चाहिए? देखिए, पहले तो आप इस एज ग्रुप को जान लें, जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, मतलब जिनको ज़्यादा खतरा है इससे, वो है 15 साल और उससे छोटे जो बच्चे हैं और 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग। तो इन दोनों में जो है इस इन्फेक्शन के होने के और उसके बाद सीवियरिटी होने की चांसेस जो है ज़्यादा हैं, तो उनको एहतियात ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। और बाकी एहतियात बिल्कुल वैसे ही जैसे कोविड के समय हमने रखे थे, आप हाइजीन मेंटेन करें, प्रोटेक्शन रखें, है ना। अगर आपको लग रहा है किसी ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन है जैसा लग रहा है कि इन्फेक्टेड है, किसी बाहर के पोर्शन में आप निकल रहे हैं, आप मास्क लगाएं, एक डिस्टेंस मेंटेन करें, वापस लौटने के बाद जैसे आप स्वच्छता मेंटेन करते थे, अपने हाथों को धोते थे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने क्या क्या चीज़ें टच की हैं, तो ये आप मेंटेन करेंगे। और साथ में ऑब्वियसली हेल्दी डाइट लें, वो आपको ऑब्वियसली इम्यूनिटी अच्छी रखेगी,
तो इसीलिए जरूरत है उसी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने की, जैसा कोविड में था, है ना, मास्क लगाएं। रिम्स से डॉक्टर राजीव रंजन पीआरओ से, जिनसे हमने जाना कि रिम्स की क्या कुछ तैयारियां हैं, खासा नज़र डाला हम पे, हमने उस पे, और साथ ही साथ ये भी जाना कि एहतियात कहते कैसे बरतना है, H3N2 से बचने के लिए किस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। तो पता चला कि मास्क लगाना कोविड में जितना ज़रूरी था उतना ही ज़रूरी इस बीमारी के लिए भी है। मास्क लगाएं, क्योंकि अब तक झारखंड में H3N2 के एक भी पेशेंट नहीं देखने को मिले हैं, और हमारे तरफ से Life7 भी यही चाहेगा कि ऐसी बीमारी का सामना हमें फिर से ना करना पड़े, उसके लिए सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर से ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे, जुड़े रहिए Life7 के साथ। काजल मेहता, Life7 रांची।